नमस्कार, मैं दीपाली, आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 27 अक्टूबर 2021 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए विस्तार लेकर आ सकता है। आर्थिक स्वरूप में भी आपकी परिस्थितियाँ बेहतर होती हुई नजर आएंगी, मन आपका शांत रहेगा। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो आप हेल्ड अप नज़र आ रहे थे, अब वो ब्लॉकेज रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। बेहतर निर्णय ले पाएंगे, मन आपका स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। पारिवारिक स्थिरता की बात कहें या आपकी मानसिक पीस की बात कहें, मेंटल पीस की बात करें, वो भी अब कहीं ना कहीं बनती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी अब स्थिरता का रूप लेता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सामान्यता रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी, अवसर या कहीं ना कहीं एक रूम, एक लीवरेज मिल सकता है जहां पर आप अपनी परिस्थितियों को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लंबे समय की प्रोफेशनल प्लानिंग कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर अगर आप कंट्री से बाहर जाने के इच्छुक हैं तो आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए। सो आज के दिन आप वो सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो आपने लंबे समय से सोच के रखे थे कि आज के दिन आपको लेने हैं, या फिर आप उसे स्वतः ही पोस्टपोन करते जा रहे थे, तो अब आज के दिन आप उस पर काम कर सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, मन आपका शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, चीज़ों को बेहतरीन तरह से देख पाएंगे, प्रस्पेक्टिव को भी चेंज करने का आपको मौका मिलेगा, स्वयं का आंकलन भी कर पाएंगे, पारिवारिक स्थिरता भी बनती हुई नजर आएगी, परिवार की तरफ से सपोर्ट बना रहेगा। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम साबित हो सकता है अगर आप अपने मन को शांत रखें और परिस्थितियों को बैलेंस आउट करने के लिए कुछ नया सोचें, अपने ऊपर काम करें, अपने लिए टाइम निकालें, अपनी ऊर्जा को और इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी अपने जीवन में लाएं, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। कुल मिला के आज का दिन एक नई शुरुआत करने के लिए सर्वोत्तम माना जाएगा, साथ ही साथ पारिवारिक स्थिरता एकता बनी रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए उन सभी तथ्यों को सामने लेकर आ जाएगा जहां पर उन सभी तथ्यों को रिव्यू करके आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, खासतौर पर रियल इस्टेट से संबंधित कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। सारे ऑप्शंस को, सारे टर्म्स को, सारी कंडीशंस को सोच के, समझ के, ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे लें जिससे कि परिस्थितियाँ आपके फेवर में आ पाएँ। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई ना कोई पारिवारिक तनाव भी अब सेटलमेंट के दायरे में आता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए गतिशील तरीके से आगे बढ़ेगा। हो सकता है आप ओवर ऑक्यूपाइड रहें, हो सकता है सेकेंड हाफ के बाद आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ मूड स्विंग्स हों, तो आज के दिन की शुरुआत आपको ठंडे दिमाग से करनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए चीज़ों को मद्देनज़र लेना है। साथ ही साथ अगर आप कोई लीगल वादा से गुजर रहे हैं तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं माइलस्टोन टच कर सकते हैं या परिस्थितियाँ आपके फेवर में आ सकती हैं। बात करते हैं आज के दिन आप नया क्या कर सकते हैं। आज के दिन आप उन सभी तथ्यों को रिव्यू कर सकते हैं जो लंबे समय से आपके लिए परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज डाल रहे थे। मसलन अगर आप नौकरी चेंज करने के इच्छुक थे, वहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा था, तो उस वहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, कुल मिला के आज का दिन चीज़ों को रिव्यू करने का आपके लिए साबित हो सकता है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन बड़ी ही खूबसूरत तरीके से आपके लिए शुभता, शुभ संकेत या पारिवारिक स्थिरता और रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नई एक अपॉर्चुनिटी, नए अवसर, नई सिचुएशन और नई ऊर्जा का संकेत देकर आ सकता है। साथ ही साथ आज के दिन आप अपने पार्टनर के साथ समय बिता पाएंगे और वो क्वालिटी टाइम बिताया हुआ आपके संबंधों में और पॉजिटिविटी लेकर आएगा। कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है और आप अपने परिवार के साथ ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको सता सकती हैं, इसलिए घर से निकलते वक्त अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसको लेना ना भूलें, और साथ ही साथ डॉक्टरी परीक्षण कराकर ही घर से निकलें या डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए।
तुला राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करके उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है जो चीज़ें आपके लिए मेंटल ब्लॉक्स होते हैं या रोड ब्लॉक्स हैं आपकी सक्सेस में। अगर आप उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियाँ अनुकूल होती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ अगर आप कंट्री से बाहर जाने के इच्छुक हैं और डॉक्यूमेंटेशन आपका कहीं रुका हुआ है तो उसमें भी अब आपको स्थिरता देखने को मिलेगी, यानी कि वहाँ पर भी क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगा। कुल मिला के आज का दिन आपके लिए सामान्यता रहेगा, लेकिन इस दिन को आप पॉजिटिव बना सकते हैं अपने दिन को आप अच्छे तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आ सकता है। आज का दिन आपके लिए कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज का दिन आपके लिए आपको आपके किसी पिता या पिता तुल्य सदस्य के द्वारा आपको कोई एक अच्छी राय सलाह मशवरा मिल सकती है जो आपकी परिस्थिति को और अच्छा बनाकर जा सकती है। साथ ही साथ प्रोफेशनली भी आप अपनी चीज़ों को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट कर पाएंगे उन सभी लोगों से जहां पर पहले आपको दिक्कत आती थी। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, मन आपका स्ट्रांग रहेगा, नई चीज़ों को नई तथ्यों को आप देख पाएंगे कुशलतापूर्वक। उन सभी पुराने जो मैटर्स हैं, चाहे पेंडिंग मैटर्स हों, फैमिली मैटर्स हों, लीगल मैटर्स हों, प्रोफेशनल मैटर्स हों, वो सारे टाइमली आप ख़त्म कर पाएंगे, अपने मन को शांत रख पाएंगे, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस कर पाएंगे। कुल मिला के ये दिन नई प्लानिंग करने का आपके लिए सर्वोत्तम साबित हो सकता है। टाइमली आज के दिन आप अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करके आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। नए प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक हैं या वाहन खरीदने के इच्छुक हैं तो वो परिस्थिति भी अब आपकी सामने आ सकती है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। सामान्यता रहेगा मकर राशि वालों, आपका दिन कुछ खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, जैसे चल रहा है चीज़ें चलती रहेंगी। कुल मिला के पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, अपने मन को शांत रखिए। आप किसी व्यक्ति विशेष से बहुमूल्य राय भी ले सकते हैं, आपकी चिंताएं भी दूर हो सकती हैं और फिनेंशियली भी आप अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करते हुए आगे की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। कुछ नया काम भी आपके हाथ आ सकता है। नौकरी चेंज करने के जो लोग इच्छुक हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ शुभताएँ, शुभ संकेत या अच्छी सूचना आपको देखने को मिल सकती है। आज के दिन छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन अपने मन को शांत रख के सामान्यता दिन को गुजारने की कोशिश करनी है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस को अपने आप से दूर रखना है। उन सभी तथ्यों में, उन सभी परिस्थितियों में जहां पर आपको छोटी छोटी बातों पर चिंता होती है उसे आप बैलेंस आउट करने की कोशिश करिए। नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए। उन लोगों के साथ ही उठिए बैठिए जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत लेकर आते हैं या आपको पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। साथ ही साथ उन सभी लोगों से अपने आप को इमीडिएटली डिटैच करिए जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को नेगेटिव दिशा में लेकर जाते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपकी बढ़ा सकता है, तो अपने आपको आज फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनाव भी आपकी सिचुएशन को आज के दिन बिगाड़ सकता है, तो सूझबूझ का आज के दिन आपको परिचय देने की ज़रूरत है। किसी भी परिस्थिति में, अवस्था में आपको कम्युनिकेशन को क्लियर, इंटैक्ट, ट्रांसपेरेंट रखना है। आप जिस तथ्य में, जिस संदर्भ में अपनी बात कहना चाहते हैं उसी संदर्भ में सामने वाला समझे, इसकी आपको आज के दिन भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इंपल्स में आकर कोई कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट में चली जाए। कुल मिलाकर पॉजिटिविटी को इम्प्रेस करने का आज का दिन साबित हो सकता है अगर आप सूझबूझ का परिचय देकर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।